छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। मुकाबला और हो जाए मुकाबला में हम खेलने जाएंगे। अब हमारा तीसरा राउंड और हमने इस गेम में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, मगर अभी नहीं बताऊंगी, पहले अपनी टीम को यहाँ पे दावत दूंगी। आइए जी। यार ये क्या किया तुमने यार लड्डू? ये क्या बकवास देख रहे ससुर जी? अबे यार वो कोई सरप्राइज का बता रही थी यार। अरे बहुत देखे मैंने ऐसे धोखे देने वाले सरप्राइजेस। वो किसी गेम का भी बता रही थी। गेम ही तो होता रहा है हमारे साथ इतने सालों से, घर के सारे काम बाकी हैं, उन पर तवज्जो दे। और घर के कौन से गेम है? हाँ झाड़ू लगाने का गेम, पोछा लगाने का गेम, अभी झाड़ू पोछे का गेम खत्म ही नहीं होता कि बर्तन धोने का गेम, उसके बाद खाना पकाने का गेम, सुबह से शाम तक यही तो गेम खेलते हैं हम, और करते क्या है? ये जो अभी तू बोल रहा था ये तूने खुद लिखा है या कहीं से नकल की है? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इसका मतलब है ये फिर नकल नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो आओ गेम खेलने चले। कौन सा? खाना पकाने वाला गेम। हमारी किस्मत तो दिन रात यही गेम लिखे हैं। आ जाओ बस। कभी खाना पकाने का, कभी झाड़ू लगाने का, कभी पोछा लगाने का। हट जाओ चाचा, एम्बुलेंस आ रही है। हेलो हेलो, क्या हो गया चाचा, दामाद ढूंढ रहे हो क्या? अरे मेरी जानवरों से रिश्तेदारी नहीं है कि तुझे अपना दामाद ही ढूंढने लगूं? बिल्कुल भी नहीं है। खैर ये इतनी सी भी नहीं है कि इसमें अपना दामाद ही ढूंढने लगूं। अच्छा तो फिर मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हो? क्यों, घूरने पर टैक्स लगता है क्या? अरे अब तो चाचा खांसने पे भी टैक्स लगने वाला है, और अगर देखने पे टैक्स लग भी गया ना तो भी आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि देख तो आप ही रहे। बेटा मैं ना अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, ये गलियां वलियां नंबर मकान मुझे कुछ याद नहीं रहा। अच्छा सुने सुने चाचा सुने, वहाँ कोने पे ना ड्राई फ्रूट की दुकान है, वहाँ चले जाएं आप। उससे क्या होगा? वहाँ बादाम मिलेंगे चाचा, अच्छी तरह चबा चबा के खाइएगा, जिस तरह आप मुझे चबा रहे हैं ना आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, इंशाल्लाह आप अपने घर को चले जाएंगे। ओके बाय। अरे बेटा 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 दे थोड़ी सी मदद कर दे मेरी, ले चल कहीं घर में, अगर थोड़ी देर आराम करूँगा ना तो याद आ जाएगा मुझे। चाचा किसी नेक आदमी ने कहा आराम सिर्फ कब्र में ही मिलेगा, अब थोड़े दिन रह गए चाचा, आप वहाँ जाके मुकम्मल आराम कर लेना। ओके तो इसका मतलब है तू मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेगा? चाचा आप अपना घर ही नहीं भूले, बल्कि आप एक मिनट पहले वाली बात भी भूल जाते हैं। अभी एक मिनट पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस रोक लिया आपने, मैं जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ। ये तो मुझसे भी आ गया भाई। अरे भाई बात सुनना बात सुनना। अरे चाचा दोपहर में कहाँ घूम रहे हो? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मुझे जरा अपने घर ले चलो, मैं अपने घर का तो पता नंबर सब कुछ भूल गया हूँ। अरे चाचा नाम क्या है आपका? अरे बेटा जब घर का ही नहीं पता तो नाम का कैसे पता होगा मुझे? पर ऐसे तो मसला हल नहीं होगा ना। तू इतने सवाल ही पूछे जा रहा है बेटा, तू साफ ही तो नहीं है कहीं? वाह चाचा वाह, मजाक करना नहीं भूले हैं। अरे बेटा ये उम्र ही ऐसी है, इंसान काम की चीजें तो भूल जाता है, बेकार की चीजों में ही वक्त बर्बाद करता रहता है। सही कह रहे हैं आप, वैसे मेरे ख्याल से आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मेरे घर जाने से आपका मसला हल नहीं होगा। अरे बेटा तू समझ नहीं रहा ना, तू अपने घर ले चल मुझे, थोड़ी देर वहां बैठूंगा ना तो सुकून आ जाएगा, तो सब कुछ याद आ जाएगा मुझे, अक्सर होता है मेरे साथ ऐसे। अरे ये तो अच्छी बात है, चले मेरे घर चले, भाई इसी बहाने बुजुर्गों की कुछ दुआएं मुझे मिल जाएगी। अरे मुझे याद आया, मुझे किसी जरूरी काम जाना है, 2-3 घंटे लगेंगे। चल खैर कोई बात नहीं है, मैं अपने पड़ोस में तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ, ठीक है ना? अरे साफ साफ बोल, तू मुझे किसी और के घर फेंक कर खुद भाग रहे हैं? अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप, यकीन करें मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वरना मैं आपको साथ ले जाता। आए मेरे साथ आए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तेरा इंतजार कर लूंगा, लेकिन भूलना नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा आ जा मेरा बेटा। अबे यार आया भाई, अच्छा हुआ तुम दोनों बाहर ही मिल गए। लड्डू जो मुझे नजर आ रहा है क्या तुझे भी वही नजर आ रहा है? ससुर जी मुझे भी साफ साफ दो नजर आ रहे हैं। यार क्या बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहे हो? अरे चाचा है मेरे, बाप की जगह है। अबे अब्बा की जगह कब्र में है यार, ये बाहर क्या कर रहे हैं? गुलाम भाई कैसी बातें कर रहे हो, बुजुर्ग है, ख्याल करो बुजुर्ग का। ठीक है पता चल गया,
हमें ये बताओ हमें क्यों ढूंढ रहे हो, रिन्ने साथ में लेके क्यों घूम रहे हो? अरे भाई मैं जा रहा हूँ जरा अस्पताल, आने में थोड़ी देर लगेगी मुझे। हॉस्पिटल जा रहे हो और मरीज यहीं छोड़कर? अरे भाई मरीज नहीं है, अच्छे खासे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने घर रख लो, बस मैं आते ही ले जाऊंगा। अबे क्या पागल हो गया है, घर में रख लो, अबे इसी सेंटर में जाके जमा करा के जा। भाग यहां से। मुझे मालूम है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, एक हल है मेरे पास। क्या है? एक मिनट ठहर जाओ। ये लो इनका ख्याल रखने के लिए, ये लो। ये बता वापसी कितनी देर में होगी तुम्हारी? क्या देर होगी, यही कोई 2 घंटे? नहीं भाई 2 घंटे के लिए नहीं है ये पैसे, वापस कर, वापस कर, वापस कर। रख ले भाई ये, तू रख ले, इनको भी रख ले, इनको भी रख ले। अरे ठहर तो जाओ, रुक तो जाओ यार, कोई मसला नहीं है। ये लो ये भी रखो। ठीक है ये, ठीक है बस खत्म। सौदा लेके आ रहा हूँ, ठीक है? लड्डू भाई ख्याल रखना इनका, रेडी करो 2 घंटे में आ जाना वरना गए। हाँ ख्याल रखेंगे भाई, तुम क्या पागल हो गए हो यार, आओ चलो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। किस पे छोड़ोगे? पैदल जा रहा हूँ, पैदल छोड़ दूंगा तुमको। यार मैं खुद चला जाऊंगा। बावला यार ये। आजो आजो आओ आओ। अरे कितना स्लो चलते हो, बैठ जाओ यहाँ पे आराम से बैठना, हड्डियां ना तोड़ लेना, बैठ जाओ। ये कौन है लड्डू? ये है प्यारे मियाँ की बुड्ढे मियाँ, नहीं चाचा मियाँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम इनको यहाँ लेके क्यों आ गए? वो प्यारे मियाँ कहीं जा रहे थे ना, तो इनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे, बस इसीलिए इनको यहाँ ले आया। अजीब बात है, तानी के घर को तुमने क्या ईडी सेंटर समझ रखा है? बर्फी खाला कुछ देर की बात है, फिर चले जाएंगे। हरगिज नहीं, जाओ जाकर इनको सर्दखाने छोड़ कर आओ। सर्दखाने क्यों? वहाँ तो मैयत जाती है, अभी तो जिंदा है ये। अरे भाई जो कुछ देर बाद होना है वो अगर पहले हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक मिनट क्या हो गया चाचा मियाँ बोले? तुम चुप करो, मैं जवाब देता हूँ। भाई मुझे तो कहा था किसी घर में लेकर आएंगे, ये तबेले में कहाँ लेकर आ गए मुझे है? अब क्या हो गया चाचा मियाँ, ये कौन सा तबेला है, घर है हमारा। तो फिर ये जानवर क्यों बिठा रखे हैं यहाँ है? अंकल तमीज से, ये मेरी बर्फी खाला है। लो बकरी भी बोल पड़ी। फौरन निकलो लड्डू, बाहर निकालो इनको। किसी में हिम्मत है तो निकाल के दिखा दे मुझे इस घर से। अरे बर्फी खाला बात तो सुने, वो कुछ देर की बात है फिर चले जाएंगे। अरे क्या ख्याल करे, बुजुर्ग आदमी है लेके चले आए बस। बर्फी खाला हनी। अरे भाई बुढ़ा तो मैं हूँ, मर्दानगी तुम्हारी कहाँ चली गई है? क्या मतलब है इस बात का? अरे कोई औरत मेरे सामने इस तरह बोलती जान से ना मार देता मैं उसे। ज्यादा गुस्सा मत करो, दम ना निकल जाए, पानी पिलाता हूँ तुम्हें, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा। आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? आपसे मतलब? बिल्कुल मतलब है, और मैं इस घर में मौजूद हूँ तो सवाल तो करूँगा। आप इस घर में नहीं, इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए मौजूद हैं, तो क्या मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं भाई आप? अच्छा तू लाया क्या है ये बता। रोजाना इस्तेमाल वाली चीजें ले आया हूँ, किचन में रख दिए मैंने। तेरी शक्ल बता रही है तू खांचा मारता है इस काम में है? क्या मतलब है आपका? मेरा जो मतलब था वो तू समझ गया अच्छी तरह। देखे अगर आप प्यारे मियाँ के अंकल ना होते ना तो बताता मैं आपको। पुत्रे सच बात कहने के लिए किसी की शक्ल नहीं देखनी होती, बस कहना होता है सच तो कह दो। आप एक बात तो बताए, ये घर मेरा, सामान मेरा। और भाई क्यों हंस रहा भैया, लगता है दिमाग फारिग है? क्या कहा तुमने, सोचे आ गए हो क्या? तुम्हारा घर? हाँ कोई शक? अबे शक को यकीन में बदल के जा चुकी हैं तुम्हारी मालकन। ओ भाई मालकन नहीं है वो, बर्फी खाला है मेरी, साली। अच्छा ये साली है तो फिर मालकन किसकी होती है? नौकर की, मुलाजिम की। बस इन दोनों में से जो भी तुझे ठीक लगे ना, तुझे सूट करता है वही समझ ले अपने आप को। ओ भाई ओ मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या घर छोड़ के चला जाता है। अबे ये क्या
ओ भाई क्या अजीब चीज है भाई ये। अच्छा वो गुड्डू को देख, वो पानी लेने गया था, कहीं पानी में डूब के मरी तो नहीं गया? देख पता कर। जो हुक्म मेरे आका। हुई ना बात। भाई सब कुछ ले लेना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आपसे मतलब, आप अपने काम से काम रखें, समझे? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे अरे अरे, तो आपको क्या, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। घर का काम कौन कर रहे हो भाई? आपसे मतलब, घर के काम कौन करेगा? घर के मर्द है ना घर के काम करने के लिए। अच्छा, तो घर के मर्द औरतों वाले काम करते हैं और औरतें मर्दों वाले काम करती हैं। वाह क्या घर है वाह वाह। देखिए आप अपनी औकात में रहे बड़े मियाँ। औकात? औकात तो मेरी सबको पता है। आप ना, आप ज्यादा मत बोले, कहा ना मैंने आपसे अंकल। भाई तुम लोग मुझे मारना तो नहीं चाहते हो हैं? क्या मुसीबत है। लड्डू गुलाम इधर आओ। अरे कहाँ मर गए, जल्दी आओ। जी जी बेगम। जी बस खाला, मेरी कान खोल के बात सुनो। हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और जब लौट कर आए ना तो ये बुड्ढा मुझे घर में नजर नहीं आना चाहिए, समझे? मगर बर्फी खाला, ये बुड्ढा मेरा मतलब ये चचनिया जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाए मगर मुझे ना यहाँ नजर ना। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बर्फी खाला। पता चला इस घर की औरतें कैसे बात करती हैं? ये बर्फी खाला थी, बर्फी खाला। अगर तानी बेगम होती ना तो हम तीनों को एक एक करके यूं उठा के फेंक देती बाहर। तो यहाँ फेंकने वाला सीन भी है, तुम्हें जम के बैठना चाहिए। अबे कहाँ मर गए, चाय मांगी थी, कहाँ चले गए? अरे ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ, ये लो चचमिया चाय पी लो। पसंद आएगी, पिए पिए। इस घर में सबसे अच्छी चाय मैं बनाता हूँ। मजेदार। अबे फीकी ले आया, किसने कहा था मुझे शुगर है? फीकी ले आया? चल चंबी चंबी जा करके ले। वैसे शुगर नहीं है सुमर में। अच्छा यार ये क्या यार? ससुर जी ये क्या आजाब बुड्ढा है? वे बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही है। क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा बर्फी खाला के आने से पहले, वरना ये हम दोनों को बाहर करवा देगा। अबे यार लेकिन क्या करें। एक काम करते हैं, इसको ना हाथ पकड़ के निकालते हैं घर से बाहर। हम दो हैं, वो एक है, ऊपर से बुड्ढा, ताकत होगी क्या उसमें? बात सही कह रहा तू भाई, है ना? फिर सोचना कैसा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे चल भाई उठ जा, भाई उठ जा, चल उठ जा, उठ जा, चल शाबाश बाहर निकलो बड़े मियाँ, अपना रास्ता नापो, बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया, चलो चलो बाहर को निकलो। और अगर मैं ना जाऊं तो फिर तुम्हारी उम्र का लिहाज किए बगैर हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, और हो सकता है दो चार धक्के भी लगा दें। हाँ चलो शाबाश उठ जा, चलो उठो उठो। तुमने सोच लिया? हाँ हाँ सोच लिया पक्का। मैं कह रहा हूँ तुम सोच लो, चलो उठो। डर गया। हमने भरम ही ऐसा कराया, डरना तो था। चलो भाई आयो आयो शाबाश, चलो शाबाश, चलो बोरा रास्ता। भाई मैं जवानी में ब्लैक बेल्ट था, ब्लैक बेल्ट बुढ़ापे में भी ब्लैक बेल्ट ही रहता है। अब मैं तुम्हारी सूरत जब तक ना देखूं जब तक प्यारे खां यहाँ नहीं आता। घर का मात के घर का।
ससुर जी समझ नहीं आ रहा है क्या मुसीबत गले पड़ेगी, ना ये मर रहा है ना ये जीने दे रहा है। अबे यार बात सुन, ये क्या पकड़ा गया हमें यार, ये पता नहीं भाई क्या पकड़ा गया। अरे प्यारे मियाँ का फोन आ गया, बुला बुला उसे, बुला जल्दी से। हाँ प्यारे मियाँ, प्यारे मियाँ बात सुनो। नहीं नहीं खैरियत नहीं है, सब गड़बड़ हो गई। अरे चचा मियाँ को हार्ट अटैक पड़ गया। हाँ अब बस आखिरी सांसें ले रहे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। अबे लड्डू मान गया तुझे यार, तू दो नंबर के काम में क्या एक नंबर है यार। ये क्या बातें कर रहे हैं ससुर जी। अबे तारीफ कर रहा हूँ यार तेरी। तारीफ ठीक है, अच्छा दिया ना, चलो बस एक ख्याल करना, मीठे ज्यादा नहीं बनाना, दो तीन किस्म के बना लेना बस है। चाचा कहाँ है, कहाँ है चाचा? ओ इधर इधर इधर, तरबूज में चश्मा लगा के देख। याल्ला आप ठीक है, खैरियत से तो है? क्यों मरा हुआ देखना चाह रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, अजीब लोग आप लोग, खामखा डरा दिया मुझे। और चल भाई चल, समान भावना और निकल यहाँ से, क्योंकि हमने इस मुसीबत को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ चल लेके निकल। हद है, क्या जमाना आ गया भाई। अबे वो जमाना कोई सा भी हो, गया वो जमाना। बर्फी खाला के आने से पहले चले जाओ यहाँ से, वरना हम बेघर हो जाएंगे। हाँ जा रहा हूँ यार, कोई चाय पानी, कोई तमीजी कोई नहीं है यार। जाओ, अरे बाहर जाके खा लेना, चलो चलो लंगर मिलेगा बाहर जाके खाना, जाओ चाय भी वहीं पीना, जाओ जाओ चलो चलो। हाँ हाँ जा रहे हैं आराम से, आए जी आए, चलते घर चलते हैं, जा रहे हैं। बड़े मियाँ अल्लाह हाफिज, जाओ जाओ जाओ। कावा वगैरह? हाँ बाहर मिलेगा, लंगर में सब मिलेगा। क्या पिलाएंगे ये लोग, आ जाए। गए शुक्र है, शुक्र ससुर जी। बोला टाली अल्लाह, कैसा बुड्ढा है यार। जी हाँ नाजरीन, आज का गेम इंसान और इसकी खिदमत, जिसको जीत लिया है प्यारे मियाँ ने, और हम देते हैं इन्हें 5 करोड़ का चेक। तो प्यारे मियाँ आपकी वजह से हमारा आज का शो कामयाब रहा, आपकी खिदमत और मोहब्बत के सिले में ये है आपका 5 करोड़ का इनाम। 5 करोड़? हाँ जी। यहाँ जरा तालियां वाली तो बजा दो जरा। अरे यार बात सुन, क्या ये रश काय का? अबे लगता है बुड्ढा मर गया। अरे नहीं ससुर जी, वो टीवी न्यूज वाली नहीं है। अरे यार वो गेम शो वाली, क्या नाम था उसका, भूल गया, वो जो सरप्राइज गेम करी, वो भी खड़ी है। अबे बिरयानी की थैलियां मिलेंगी बहुत सारी। अरे ससुर जी मैं गया पतीला लेकर आता हूँ, दो दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भी आया सही सही। अभी ये तो बुड्ढा भी आ गया बाहर। हाँ ससुर जी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आइए जीतने वाले से करते हैं कुछ सवालात। अरे रुको 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 रुको, इस बुड्ढे की, मेरा मतलब है कि इस बड़े साहब की खिदमत तो हमने भी की थी। अरे मैंने भी कैसे खाने बना बना के खिलाए, कितनी मालिश की है, दबाया है, और मैं तो चाय बना के पिलाता था, भूल गए? मीठी कभी भीगी कभी दरमियानी, भूल गए? और कैसा दबाया, कैसी निन्नी आई थी तुमको, है? मैं सोफे पे सो गया था। सब याद है, सब याद है मुझे। जरा माइक मुझे दीजिए, और कैमरा जरा कि ये मेरी तरफ करें। जी जी कैमरा आप ही की तरफ है। हाँ तो खवातीन हजरात, आज आपने हमारा शो देखा, इस शो को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप ये जान सकें कि कैसे होते हैं वो लोग जो हमारे माशरे में नासूर होते हैं, जो इंसान को नोट में तोलते हैं। ये हैं वो साहब, देखिए इन्होंने कैसा सलूक किया हमारे साथ, आप देखते रहे। ये भी शायद इनाम के मुस्तहिक हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा इनाम तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन हारने वाले को भी तो मिलता है ना इनाम। भाई तुम लोगों के लिए तो अच्छा खासा इनाम होना चाहिए, और ऐसा इनाम देने के लिए मेरा ख्याल है हमारे पास काफी लोग हैं, जो इन दो लोगों के लिए तो काफी हैं। क्यों भाई, क्यों ना इन्हें इनाम दिया जाए। 15 साल बाद मिलूंगा अपने भाई से, बादशाह नाम है उसका। अच्छा आप गुलाम, वो बादशाह, रानी और इक्का भी कहीं होंगे, उनको भी ढूंढ लें। हैं? ये कौन सी है, हैरानी वाली या ये बताने वाली कि मालिक घर में है? अबे तुझे देख के हैरानी हो रही है मुझे। अम्मा, अम्मा ये क्या चीज है, कौन है ये? अरे अरे तेरा भाई बादशाह। बादशाह ये तमीज तहजीब से जुड़ी रहो। जितना बड़ा तू है उतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी तुझे खिला दूंगा, चला जा। अपने तरह लड्डू तो नहीं खिलाओगे ना, टॉफी खिलाओगे ना? ऐसी कौन सी याद है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है? आर पार देख सकता है? हाँ? नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? नहीं नहीं। खिड़की। अरे वो आपका हाफ पैकेट था ना बादशाह, मिल रहा नहीं मिल रहा।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।